गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो मुद्दे के ऊपर बात करना चाहते हैं। एक है कारगिल में सीटी स्कैन के बारे में, जल्दी आने वाला है, हमारा डायरेक्टर साहब उसके बारे में बताएंगे। कारगिल के लिए जो नया सीटी स्कैन मशीन कब आएगा, क्या 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 प्रोसीजर हुआ, क्या स्टेटस है। दूसरा है हेल्थ डिपार्टमेंट में रिसेंटली स्टाफ सेलेक्शन कमीशन और जो लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू हमने बहुत पोस्ट को अभी रिक्रूटमेंट किया है। अभी कारगिल का भी जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल का पोस्ट लास्ट स्टेजेस में है, वो भी जल्दी फिल हो जाएगा। इस दोनों मुद्दे के बारे में डायरेक्टर साहब पूरा ब्रीफिंग करेंगे, हमारा सीटी स्कैन के बारे में और रिक्रूटमेंट बारे में। धन्यवाद। थैंक यू सर। जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन हमने जो ऑर्डर प्लेस किया है उसका मैं डिटेल आपको बता दूँ। ये सीटी स्कैन मशीन 22-23 ईयर में भी अप्रूव हुआ था और उसका सप्लाई ऑर्डर भी गया था, और जो कंपनी जिस कंपनी को ये ऑर्डर गया था, सीमेंस हेल्थ इनर्स कहते हैं, मार्च 2023 में उन्होंने इंस्टॉलेशन करना था, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजन से वो सप्लाई नहीं कर पाए और वो टेंडर फिर कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद अप्रैल में फिर से स्पेशल डेवलपमेंट प्लान में इसके लिए बजट रखा गया 6.89 करोड़। फिर इनिशियली हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ये परमिशन लिया था कि हम HLL जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनके थ्रू लेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ये डायरेक्शन दिया कि डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटल परचेज कमेटी हेल्थ डिपार्टमेंट का बनेगा, उसी के थ्रू परचेज किया जाए। तो डिपार्टमेंटल परचेज कमेटी 16 मई को उसका फॉर्मेशन हुआ। जैसे ही उसका डिपार्टमेंट परचेज कमेटी फॉर्मेशन हुआ, हमने टेंडरिंग प्रोसेस शुरू कर दिया, क्योंकि ये सारा हमें GFR फॉलो करके GFR 2017 नाम को फॉलो करना है, उसको जम पे हमने टेंडरिंग करना था। तो जम पे टेंडरिंग करने के लिए हमें दो कमेटी बने पड़े, एक तो डिपार्टमेंटल परचेज कमेटी और टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी। जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी उसके स्पेसिफिकेशन वगैरह देखते हैं, और बाकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन परचेज कमेटी बाकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह हम फिक्स करते हैं। तो पहला मीटिंग हमारा 16 को हमारा परचेज कमेटी की फॉर्मेशन हुआ और 24 को पहला हमारा मीटिंग हुआ। उसमें ये डिसीजन लिया गया कि हम टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे और टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी स्पेसिफिकेशन हमारा देंगे। फिर 12 जून को सेकेंड मीटिंग हुआ डिपार्टमेंटल परचेज कमेटी में, उसमें ये फाइनलाइज किया गया कि हम उसको जेम पे बिड करेंगे, और पहला बिड जेम पे 15 जून को हमने अपलोड किया था। अनफॉर्चुनेटली उसमें किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी सप्लायर ने उसमें बिड नहीं किया, तो हमें फिर से उसको सेकंड बिड फिर से रिटेंडरिंग करना पड़ा। सेकंड बिड फिर 1 जुलाई को हमने अपलोड किया। इस बिड के अगेंस्ट भी सिर्फ एक बिडर ने हमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हमें GFR में एक सिंगल बिडर अलाउ नहीं करता है, तो फिर उसको फिर से हमें फिर बिडिंग करना पड़ा। फिर तीसरी बार हमने थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस में भी चेंज किया और टर्म्स एंड कंडीशन में भी चेंजेस करके फिर तीसरी बार फिर हमने बिड किया 9 अगस्त को, और इस टाइम हमें तीन बिड्स आए। लेकिन तीनों बिड्स को जब टेक्निकली इवेल्यूएट किया गया, टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी टेक्निकल इवेल्यूएशन किया, उनमें से सिर्फ एक ही बिड उसमें क्वालिफाई हुआ, बाकी दो बिड हमारा रिजेक्ट हो गया। क्योंकि एक ही बिड हमें क्वालिफाई हुआ वो है कैनन इंडिया लिमिटेड का, जिसका ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर एयरबेस इंजीनियरिंग कहते हैं, जो दिल्ली में है। तो जब उनका जब बिड हमने देखा तो फिर हमने कहा कि सिंगल बिड है, उसको खोलने के लिए हमें परमिशन लेना पड़ता है अगेन GFR के थ्रू। तो उसके लिए हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लिया कि हमें सिंगल बिड का उनको खोलने का, हमें प्राइस बिड को खोलने का हमें परमिशन दिया जाए। तो जब उनका प्राइस खोला गया तो उन्होंने 8.82 करोड़ मशीन का उन्होंने कोट किया था, जो कि काफ़ी हाई था हमारा जो अप्रूव्ड बजट से। तो फिर हमने फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लिया कि हमें ये परमिशन दिया है कि उनके साथ प्राइस नेगोशिएशन किया जाए। फिर प्राइस नेगोशिएशन के लिए उनको बुलाया गया, तो प्राइस नेगोशिएशन पे ये हुआ कि फाइनली उन्होंने 7.7 करोड़ 60 लाख का हमें ये सप्लाई करने का उन्होंने एग्री किया, जो कि वही मशीन उन्होंने आसाम मेडिकल कॉलेज को सप्लाई किया 8 करोड़ का। वही मशीन हमें
जो असम मेडिकल कॉलेज को जो सप्लाई किया 8 करोड़ का था और वारंटी पीरियड उनका 2 ईयर्स का था, वही मशीन हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करने के लिए उन्होंने 7.6 करोड़ और 5 ईयर्स वारंटी के साथ उन्होंने हमें सप्लाई करने का एग्री किया। तो जैसे एग्री किया फिर हमने अगेन वो फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल के लिए भेजा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इमीजिएटली हमें अप्रूवल दिया कि यू कैन गो फॉर द सिंगल बेड को अप्रूव करके रिजल्टेंट सिंगल बेड को। तो 18 सितंबर को जैसे अप्रूवल आया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, उसी दिन हमने सप्लाई ऑर्डर पुटअप किया। तो नॉर्मली ये ऐसे मशीन्स जो हाई एंड मशीन्स होते हैं जो इंटरनेशनली जहाँ भी बिड होता है 4 to 6 मंथ में आता है सप्लाई ऑर्डर प्लेस करने के बाद, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारा हमें जल्दी चाहिए और हमारा जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, और रोड क्लोज हो जाएगा दिसंबर में तो उससे पहले पहले हमें ये डिलीवरी दिया जाए। तो उन्होंने स्पेशल वो कंडीशंस हमारा एग्री करके उन्होंने बोला कि दिसंबर के 15 तक हमें डिलीवरी करके और इंस्टॉल करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में हमारा सीटी स्कैन इंस्टॉल हो जाएगा, उन्होंने ये एश्योरेंस दिया है। अच्छा, एक और इशू है कि अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक पुराना हमारा सीटी स्कैन मशीन है, वो काफ़ी 12 साल पुराना है, तो उसको अभी उसका वारंटी पीरियड वगैरह भी अभी वारंटी पीरियड से बाहर है, लेकिन उसका हमने एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। एक बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस प्रोग्राम होता है, उसके अंडर मेडिसिटी बोल के एक कंपनी है, उनके साथ मेंटेनेंस प्रोग्राम किया हुआ है। तो वो क्योंकि काफ़ी पुराना मशीन है, वो बीच बीच में प्रॉब्लम करते रहता है, तो अभी रिसेंटली उसका ट्यूब डिफेक्टिव हो गया। तो ट्यूब हमने फिर कंपनी ने बोला कि हैदराबाद ट्यूब लेके गए, वहाँ रिपेयर करने की कोशिश किया, रिपेयर नहीं हुआ, तो उन्होंने नया ट्यूब मंगवाया है। अभी आज फिर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि नया ट्यूब हैदराबाद अहमदाबाद पहुंच गया है, अहमदाबाद से आज बाय रोड निकला है, और उन्होंने ये एश्योर दिया है कि संडे को वो कारगिल पहुंच जाएगा और मंडे नहीं तो ट्यूसडे को, तो किसी भी हालत में उन्होंने ये एश्योरेंस दिया कि नया ट्यूब इंस्टॉल हो जाएगा और पुराना सीटी मशीन भी काम करना शुरू कर देगा। तो सर इतना लेट हुआ है वो किस वजह से है? क्योंकि यूटी बनने के 4 साल भी पूरे हो चुके हैं, पहले भी शायद सिटी स्कैन की यहाँ पे पहले भी मतलब था, क्योंकि पैसे भी आजकल आपको पता है बजट भी बहुत है, फिर भी ये इतना लेट क्यों हुआ, 4 साल के क्यों लगा? 4 साल तो नहीं लगा है, क्योंकि इसका अप्रूवल मैंने जैसे आपको बताया कि 22-23 में इसका अप्रूवल हुआ था, उसका टेंडरिंग प्रोसेस वगैरह सब कुछ हुआ था और सप्लाई ऑर्डर भी गया था। मार्च में जब जो ऑर्डर दिया है CMO कारगिल ने, वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँचा, तो हमारे इंस्पेक्शन टीम गए वहाँ कि वही मशीन आया कि नहीं आया। तो वहाँ उन्होंने ये पाया कि जिस मशीन के लिए ऑर्डर गया था वो मशीन नहीं था, उसकी जगह एक लोअर स्पेसिफिकेशन का मशीन वो लोग सप्लाई करना चाहते थे। तो कमेटी ने बोला कि हम ये लोअर एंड मशीन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो टेंडर हमें रिजेक्ट करना पड़ा। फिर अप्रैल के बाद फिर सारा प्रोसेस शुरू हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार बिड किया नहीं आया, दो बार बिड किया नहीं आया, तीसरे बिड पर भी एक ही क्वालिफाई हुआ, तो उसको भी फिर स्पेशल हमें परमिशन लेना पड़ता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का एज पर GFR और जितना हमारा फाइनेंशियल पावर्स होता है डेलीगेट किया गया MHA के द्वारा। तो अप्रूवल जैसे ही आया और हमने उसी टाइम हमने सप्लाई ऑर्डर प्लेस कर दिया। इसको ऐड करने का जनरली इस तरह से इक्विपमेंट्स आई एंड बाकी स्टेट्स में भी 2 साल तक हो जाते हैं, बिकॉज स्पेसिफिकेशंस बढ़ना, इसका जो GFR के साथ करना, इट्स नॉट ओनली लद्दाख, यहाँ एडेड कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे इन्होंने बोला था डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स और आपका जोग्राफिकल लोकेशन जो है बहुत मुश्किल वाला है, कंपनीज पार्टिसिपेट करना और भी मुश्किल है। बाकी स्टेट्स में भी जैसे मैंने इसके पहले काम किया है वहाँ भी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है हाई एंड इक्विपमेंट्स खरीदना, हियर इनफैक्ट फास्टली किया है, हर प्रोसेस बहुत जल्दी उन्होंने किया है। वो उन्होंने किया जो अनएक्सपेक्टेड ये था, जब आपने मान लीजिए 64 स्लाइस बोलते हैं, एक स्लाइस मतलब कितने टेक्निकली बोले 64 मतलब आपका एक सेंटीमीटर में कितने स्लाइस आप कर सकते हैं, उसको 64 स्लाइस हमने ऑर्डर किया था, लेकिन वो जो मशीन आया वो 32 स्लाइस का आ गया, वो अच्छा नहीं है कारगिल लोगों को, कम वाला स्पेसिफिकेशन है अभी, इसलिए हमने 128 वाला हायर स्पेसिफिकेशन हम खरीदे। दिसंबर एंड तक 100% ये स्टार्ट हो जाएगा, उसके पहले जैसे इन्होंने बोला था नेक्स्ट वीक तो जो सीटी स्कैन, तो वहाँ पुराना मशीन भी चालू हो जाएगा। सर लद्दाख में मेडिकल कॉलेज का स्टेटस कैसा है?
दो पार्ट है, मेडिकल कॉलेज का आपका पोस्ट क्रिएशन है, दूसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर करना। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका एकेडमिक ब्लॉक है, आपका हॉस्टल्स हैं, और आपका ये जो हॉस्पिटल का भी बेड एक्सपेंड करना है। उसके लिए एक स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। जैसे मैंने बोला था, यूटी अपना ये प्रपोजल अपने आप अप्रूव नहीं कर सकते, ये मिनिस्ट्री में अप्रूवल करना है। वो फाइनल स्टेजेस में है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। उसके बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर जाएगा। SFC जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है। हमको ये उम्मीद है अगले एक महीने के अंदर वो अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद ही काम शुरू कर सकते हैं। एक दूसरा हमारा जो हम ब्रीफिंग में कहना चाहते हैं, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हमारा यूटी लद्दाख में चल रहा है, उसमें 262 पोस्ट हमने रेफर किए थे वेरियस रिक्रूटिंग एजेंसी, जिसमें SSC भी है और डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है। उसमें से 97 पोस्ट के हमें सेलेक्शन करके आ गए हैं, उनका ऑफर ऑफ लेटर हमने इशू कर दिया है। डिविजनल कार्डर के जो पोस्ट है 17 पोस्ट है, वो उनके और ऑफर ऑफ लेटर हमने इशू कर दिया है। और ले डिस्ट्रिक्ट के 80 पोस्ट ऑफर ऑफ लेटर हमने इशू कर दिया है। हम 90 हमने रेफर किए थे, उसमें से 80 आ गए हैं। कारगिल के 135 पोस्ट है, उनका भी सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया है और बहुत जल्द ही उनका भी सिलेक्शन लिस्ट इशू हो जाएगा। इस तरह हमारा सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसी महीने में ख़त्म हो जाएगा। सर, जिस तरह से ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उस पर कितना ट्रांसपेरेंसी रखा जाए ट्रांसफ़र में? जी, ट्रांसफ़र में ऐसा है कि हमारा एक ट्रांसफ़र पॉलिसी है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक ट्रांसफ़र पॉलिसी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक ट्रांसफ़र पॉलिसी है। लेह में कारगिल वालों को भी यही हिदायत दिया गया है कि उन्होंने वो भी अपना एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाए ताकि ट्रांसपेरेंटली हो। उसमें क्या है कि हमारा पॉइंट सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम ऐसा है कि ले और या डिस्ट्रिक्ट कारगिल मानिए, ले होगा तो ले कैपिटल है, उसकी 15 किलोमीटर के रेडियस में जो भी पोस्टिंग होगा उनको 0 पॉइंट्स दिया जाता है। इसी तरह जितना आप दूर जाएंगे उतना ज़्यादा पॉइंट्स दिया जाता है। जितना आप पॉइंट्स अर्न करोगे आपको नेक्स्ट पोस्टिंग में, फिर उसको आपको फेवरेबल आपका सूटेबल पोस्टिंग दिया जाता है।